देखिए बेटा, इसके पहले वाले लेक्चर में जो हम लोग स्टार्ट किए थे वो क्या था कि हम लोग पढ़ रहे थे यंग्स डबल सेट एक्सपेरिमेंट, उसके बाद हम लोग पढ़ा था फ्रेसनल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंटरफेरेंस से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको, ठीक है, यानी न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इंटरफेरेंस, व्यतिकरण पर आधारित आंकिक। इंटरफेरेंस पर आधारित क्या पढ़ेंगे हम लोग, न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल है बेटा, नोट कर देते हैं, सिक्स एट डबल जीरो यानी 6800 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य एक वर्णीय प्रकाश पुंज एक एमएम दूरी पर स्थित दो स्लिट पर आपतित है यदि पर्दे की दूरी क्वेश्चन क्या है बेटा, कह रहा है 6800 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश पुंज एक एमएम दूरी पर स्थित दो स्लिट्स पर आपतित है, ठीक है, दो स्लिट्स से आपती है और कहेंगे यदि पर्दे की दूरी 15 मीटर हो तो फ्रिंज की पर्दे की दूरी 1.5 मीटर हो
फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका क्या सॉल्यूशन है आइए देखते हैं। फिलहाल में आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, एक मिनट का टाइम दे रहे हैं, इसके बाद फिर आगे। नोट कर लिए होंगे, चलिए देखिए, आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है, कौन सा फार्मूला लगेगा और उसके बाद उसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद हम लोगों का आंसर है। ठीक है, क्या कह रहा है, 6800 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य, ठीक, यानी दिया है, जब लिखेंगे दिया लैम्डा, अगर हम क्या वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या है लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 6800 एंगस्ट्रम, याद रखिएगा एंगस्ट्रम क्या होता है 10^-10 मीटर का एक वर्णीय प्रकाश पुंज 1 mm दूरी पर स्थित दो स्लिट, यानी दो स्लिट्स के बीच की दूरी S1 और S2 के बीच की दूरी क्या है 1 mm है, और S1 और S2 के बीच की दूरी बेटा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा था क्या था, तो वहां पे हम लोग स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते थे, तो ये हो जाएगा स्मॉल d इज इक्वल टू 1 mm, और इसको बेटा जब हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1×10^-3 मीटर। एक यहाँ पे एंगस्ट्रम को जब करेंगे तो हो जाएगा 6800×10^-10 मीटर, और जब इसी को -6 में कन्वर्ट करेंगे, चलिए ठीक है, नहीं फिर इसके बाद क्या लिखा है, यदि पर्दे की दूरी कितनी है 1.5 मीटर, यानी कैपिटल डी इज इक्वल टू 1.5 मीटर होगा यहाँ पे, तो लिखते हैं कैपिटल डी दिया हुआ है 1.5 मीटर, ये भी मीटर में कैपिटल डी दिया हुआ है, स्मॉल डी को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, और वेवलेंथ लैम्डा को भी हमने क्या किया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। अब आइए आगे देखते हैं, कह रहा है तो फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक, तो लिखेंगे ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, फ्रिंज की चौड़ाई को बेटा डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, फ्रिंज विड्थ डब्ल्यू इज इक्वल टू हमको निकालना है। ठीक है, आप देखिए जो दिया हुआ है, क्या दिया है लैम्डा स्मॉल डी कैपिटल डी, पूछ रहा है फ्रिंज विड्थ डब्ल्यू, तो क्या होता है, तो कहेंगे फ्रिंज विड्थ का रिलेशन एक सूत्र हम लोग पढ़ते हैं किसके साथ, तो कहेंगे कैपिटल डी स्मॉल डी और वेवलेंथ के साथ जो होता है वो होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू कैपिटल डी इंटू लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, तो इसको लिखेंगे सूत्र जो प्रयोग करेंगे फ्रिंज विड्थ का डब्ल्यू इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ठीक है, इसी में हम लोग क्या करते हैं वैल्यू पुट करेंगे, जब बेटा हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा W is equal to capital D की वैल्यू बेटा 1.5 होगी, ठीक है, इसके बाद इनटू लैम्डा की वैल्यू है बेटा 6800
इनटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है, अपॉन करने वाले स्मॉल डी वैल्यू 1 एमएम मीटर में उल्टा कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। इसको आप सॉल्व करेंगे क्या आएगा 10 टू द पावर माइनस 3 पर आएगा प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो गया 15 1.5 को लिखेंगे 15 अपॉन 10 6800 ये 10 टू द पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा तो प्लस 3, ठीक है, और इनटू ये 10 टू द पावर माइनस 10 जो है नीचे आएगा तो प्लस 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक है, आप देखिएगा 10 यहाँ पे बच रहा है, इसका 10 जब कैंसिल होगा तो ये 10 से 9 हो गया और ये 3 कैंसिल होगा 3 कम हो जाएगा 6 हो गया, ठीक 15 × 68 करेंगे कितना आएगा 68 का 10 टाइम्स ये हो गया 5 टाइम्स ये हो गया जोड़े ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया 1020 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 तो प्लस 6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस 6 हो जाएगा। ये आ रही है क्या फ्रिंज वेट इसमें मीटर में, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा तो बेटा इसमें देखिएगा डेसिमल से कितना प्लेस 1 2 3 थ्री प्लेस जब इधर हम डेसिमल ले आएंगे तो यहाँ पावर में 1 2 3 कम हो जाएगा, ठीक ये हो गया 1.02 × 10⁻³ मीटर बेटा ये क्या हो जाएगा फ्रिंज विड्थ हो जाएगा 1.02 × 10⁻³ मीटर। अगर एमएम में पूछ ले तो क्या हो जाएगा 1.02 mm, ठीक है नोट कर लीजिए इसको। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे दूसरा न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करेंगे, यहाँ तक के पोर्शन को आप जो है जल्दी से नोट डाउन करिए, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, इसके बाद फिर हम लोग अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। बेटा आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है, तो आइए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं।
ये बेटा नोट करते हैं, दूसरा न्यूमेरिकल, दूसरा न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है, यंग के लिखते भी चलिए, मैं बोलते हुए लिख रहा हूं, आप नोट करते चलिएगा। यंग के प्रयोग में, प्रयोग में फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई 0.5 डिग्री पाई गई, जबकि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, जबकि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6340 एंगस्ट्रम है, फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई को 25% बढ़ाने के लिए, को 25% बढ़ाने के लिए प्रयुक्त प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए, की गणना कीजिए, फिर से एक बार क्वेश्चन बोल दे रहे हैं और आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कह रहा है यंग के प्रयोग में फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई 0.5 डिग्री पाई गई, जबकि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6340 एंगस्ट्रॉम है। फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई को 25% बढ़ाने के लिए प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, कोशिश करिए कि क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है उन सारे डेटा को कलेक्ट करके नोट करने की कोशिश करिए, साथ में क्या ज्ञात करने को कह रहा है उसको सिंबॉलिक तौर पे वहां पे लिखिए, ये ज्ञात करना है। और एक और प्रयास करेंगे कि इन दोनों को जो दिया है और जो ज्ञात करना है, इन दोनों को मिलाकर आपने क्या फार्मूला पढ़ा था उस फार्मूले को लिखिए, जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू को पुट करिए, जो पूछ रहा है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके उन वैल्यूज को क्या करेंगे, सॉल्व करके आंसर ले आने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, 2-3 मिनट का, 2-3 मिनट में आप करने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद हम जो है इसको सॉल्व कराएंगे। आप अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको मिला के देख लीजिएगा सही है, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में आप जो है इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक।
आपने सॉल्व करने की कोशिश की होगी, ठीक है। गिवन डेटा को लिखा होगा, इसके बाद जो उसमें पूछ रहा है, ज्ञात करना है, उसको आप लिखे होंगे। हम एक बार इसको लिख रहे हैं, आप अगर अपने डेटा जो लिखे हुए हैं उससे आप इसको मिलाने की कोशिश करिएगा कि कितना इसमें सही है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ते जाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, एक एक डेटा को लिखते जाएंगे। कह रहा है यंग के प्रयोग में फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई 0.5 डिग्री है, ठीक। कोणीय चौड़ाई को बेटा हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक। थीटा इज इक्वल टू 0.5 डिग्री। फिर आगे क्या लिखा है, कह रहा है जबकि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बेटा कितना दे रहा है, 6340 एंगस्ट्रम, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 6340 एंगस्ट्रम, ठीक। अब आगे देखिएगा क्या कह रहा है, फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई को, जैसे ही फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई क्या कह रहा है, 25% बढ़ाने के लिए प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना। एक बार हमको कोणीय चौड़ाई दिया था थीटा, और फिर कह रहा है इसको 25% हमको क्या कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं, ठीक। जब हम इसको 25% बढ़ाएंगे तो ये हो गया पहला वाला, जो लिया था उसको हम थीटा मान ले लिए, और बेटा जो दूसरा हम जिसको 25% बढ़ा रहे हैं वो हो जाएगा थीटा 2, ठीक है, और ये हो जाएगा थीटा 2। यह हमें दिया हुआ है, इसको कैलकुलेट किया जाएगा। और कह रहा है कि ऐसा होने पर जो नई तरंगदैर्ध्य बनेगी उसकी वैल्यू बताइए, ठीक। क्या करेंगे, लैम्डा 1 जो दिया हुआ था और जो पूछ रहा है वो है लैम्डा 2 की है, ये हमको लैम्डा 2 ज्ञात करना है, और ये क्या हो गया थीटा 1 प्लस 25%, ठीक, उससे ज्यादा बढ़ा रहे हैं, 25/100 ऑफ थीटा 1, ये दोनों ऐड कर देंगे बेटा तो हमको थीटा 2 मिल जाएगा, ठीक है। ये हमको दिया हुआ था, अब हमको बात है कि हमको कोणीय चौड़ाई, फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई और प्रकाश की तरंगदैर्ध्य तथा इन दोनों से रिलेटेड मिलाकर हम लोग कोई एक फार्मूला कोई जानते हैं क्या, तो वो जो फार्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, तो कहेंगे वो फार्मूला हम लोगों का हो जो हम लोगों ने पढ़ा था, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी होता है, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी होता है। तो इस सूत्र को लिख लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी, ठीक। आइए इसको सॉल्व करते हैं, पहले थीटा 1 के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, थीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन डी, ठीक। यहां से हम लोग डी को, क्योंकि लैम्डा 1 पता है थीटा 1 पता है और हम लोगों को निकालना है डी, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 अपॉन थीटा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहां पे निकालेंगे स्मॉल डी की वैल्यू, तो जब स्मॉल डी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहां से एक चीज और, जो थीटा की वैल्यू डिग्री में दिया है इसको जब आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिएगा डिग्री को जब आप रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 0.5 × π/180 कर दीजिएगा, ठीक, ये कैंसिल होगा 60 आ जाएगा, ठीक है, 0.5 से 180 को कैंसिल करेंगे 360 आएगा, फिर 360 से जब इसको कैंसिल करेंगे 180/360 यानी 0.5 आ जाएगा, ठीक। तो टाइम ये हो जाएगा 0.5 रेडियन, ये क्या हो गया बेटा 0.5 रेडियन, और लैम्डा 1 को बेटा हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो लैम्डा 1 किस में दिया है, एंगस्ट्रम में दिया है, तो होता क्या है 1 angstrom = 10^-10 meter होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 6 3
40 × 10⁻¹⁰ मीटर। आइए इसको नोट करते हैं, 3, 6, 4, 0 एंगस्ट्रम में दिया है, × 10⁻¹⁰ कर दिए मीटर में होने, अपॉन 0.5 यह रेडियन है। सॉल्व कर लीजिएगा, 5 × 10 होगा, 10 ऊपर जाएगा, ठीक है, 6 × 10⁻¹⁰ डिवाइडेड बाय 5/10 होगा, 10 ऊपर आ जाएगा, 5 × 2 टाइम्स, तो इस 2 से इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा और आएगा 2 × 0 = 0, 4 × 8, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, × 10⁻¹⁰ मीटर ये आ रहा है, ठीक है। डेसिमल अगर लगाते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम लोग को एक डेसिमल की वैल्यू भी मिल जाएगी। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, θ1 = 0.5 × π/180, ठीक है, is equal to क्या हो जाएगा, तो कहेंगे is equal to 6340 × 10⁻¹⁰ 6340 × 10⁻¹⁰ / 180 / 0.5 × π, ये हो गया 360, ये हो जाएगा 360, ठीक है, और यहाँ पे है पाई, ठीक, 360 और पाई को जो हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा थोड़ा सा, पाई की वैल्यू होती है बेटा कितनी, 22/7, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग में सॉल्व करेंगे, इसको कैलकुलेट करिएगा 22/7 रख के, तो जो आंसर आएगा इसका t = वो कितना आ रहा है, 7.26 × 10⁻¹⁵ मीटर, 7.6 × 10⁻¹⁵ मीटर, ये पर देख लीजिएगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ से आपने डी निकाला। अब देखिए θ2 पता है, θ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर निकालने की कोशिश करें, θ2 की वैल्यू θ2 = θ1 + 25 θ1/100, यानी 1/4, ये 0.5 + 0.5/4 = 0.625, ये आया बेटा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये θ2 की वैल्यू होगी, θ2 पता है, डी पता है, फिर वही फार्मूला θ = λ/d से हम लोग क्या करेंगे, λ2 निकालेंगे,
थीटा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहेंगे लैम्डा 2 अपॉन डी। थीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.625 इनटू पाई अपॉन 180 इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन डी की वैल्यू हो जाएगी 7.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 5। ठीक, इसको थोड़ा सा सॉल्व करिएगा, लैम्डा 2 इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, क्या लैम्डा 2 इज इक्वल टू, लैम्डा 2 इज इक्वल टू थोड़ा सा लैम्डा 2 इज इक्वल टू क्या क्या आएगा, देखिए लैम्डा 2 इज इक्वल टू ये पूरा पोर्शन यहां आ जाएगा, तो 6.25 इनटू पाई इनटू 7.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 5 होल डिवाइडेड बाय 1। ठीक, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा लैम्डा 2 इज इक्वल टू 6.25 अपॉन 1000 हो गया इनटू 22 बटा 7 हो गया इनटू 180 इनटू 76 अपॉन 10 इनटू 10 टू द पावर माइनस 5 में नीचे आएगा 10 टू द पावर प्लस 5। ये कंडीशन आ गई। अब इसमें जो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं वो क्या है, देखिए 5 से ये देखिए 11 2 से कैंसिल करें 5 हो गया, 5 से इसको कैंसिल करिएगा 125 हो जाएगा। ठीक है, 125 8 टाइम्स इसको कैंसिल करेगा। ठीक, फिर 8 4 2 जा 4 19 टाइम्स। ठीक है, फिर इसके बाद 19 टाइम्स हुआ, फिर इसके बाद हम लोग और क्या कैंसिल कर सकते हैं, अपना इसमें 8 टाइम्स है ना, 8 को कैंसिल किए 2 हो गया। अच्छा, यहाँ 19 है, यहाँ 11 और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, ये क्या 7 × 14 यानी 11। ठीक, इसको सॉल्व करिएगा 200 × 14 ठीक है, 10 × 6 ऊपर जाएगा तो माइनस 6। ये सॉल्व करेंगे और आएगा लैम्डा 2 की वैल्यू आ रही होगी इसमें सॉल्व करने के बाद 7.99 दिया गया है, 7.919 इंटू 10 टू दी पावर 7। इसे इसको सॉल्व कर देते हैं, 0.7919 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 मीटर में आया, इसको क्या एंगस्ट्रम में चेंज कर दीजिएगा, 7919 एंगस्ट्रम, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ये आ गया क्या लैम्डा 2 की वैल्यू, ये आ गई किसकी वैल्यू, लैम्डा 2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई लैम्डा 2 की वैल्यू। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसको बेटा नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ तक के पोर्शन को आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, ये था बेस्ड ऑन इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स थे, 2 न्यूमेरिकल्स मैंने आपको क्लास में करवाया था। ठीक है, और 2 न्यूमेरिकल्स आपके ये अभी सॉल्व हो गए हैं,
इसी टाइप इतने ही टाइप के क्वेश्चंस जो है वो इंटरफेरेंस से नॉर्मली पूछता है। लगभग सारे टाइप के क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अगले लेक्चर में जो हम लोग जो है पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग डिफ्रैक्शन विवर्तन पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पूरा पोर्शन पढ़ने के बाद उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो पूछ सकता है आराम से।